तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे अभी हाल ही में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है अ क्वाइट प्लेस डे वन। इसके डायरेक्टर हैं माइकल सरनोस्की, जिन्होंने निकोलस केज वाली पिग मूवी को भी डायरेक्ट किया है। अब अगर आप लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये मूवी 2018 वाली अ क्वाइट प्लेस का प्रीक्वल है, यानी कि उससे पहले की स्टोरी। और आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी की स्टोरी को जानेंगे, इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही में ऐसे ही हॉरर मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक सेमिरा नाम की लड़की को देखते हैं, जिसको कैंसर की बीमारी थी, और जहाँ पे ये रहती है वहाँ पे ऐसी ही मरीज रहते हैं। सेमिरा के पास एक बिल्ली भी थी जिसका नाम था फ्रोडो। खैर, इसके बाद तभी वहाँ काम करने वाला एक नर्स जिसका नाम रूबन था, वो सेमिरा को सिटी में चल के थिएटर में शो देखने के लिए बोलता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सेमिरा काफी टाइम से शहर में नहीं गई है। वो रूबन से कहती है कि वो शहर में तभी जाएगी जब वो उसको वहाँ पर पिज्जा खिलाएगा, जिसके लिए रूबन मान जाता है। अब यहाँ से हम सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ सभी बस में बैठ के मैनहट्टन जाते हैं। वहाँ पर ये सभी पपेट शो देखते हैं और वहीं पर एक बच्चा भी था जो कि फ्रोडो के साथ थोड़ा खेलने लगता है। इस बच्चे के डैड भी वहाँ पर मौजूद थे, जिसका नाम था हेनरी। अब शो के बाद रूबन सेमिरा से कहता है कि उनको यहाँ से तुरंत निकलना होगा क्योंकि शहर में कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। मगर सेमिरा रूबन से बोलती है कि वो यहाँ से तब तक नहीं जाएगी जब तक वो उसको पिज्जा लाके नहीं देगा। अब वैसे तो ये बात हमें बड़ी बेवकूफी वाली लगती है, लेकिन आगे चल के इसका रीजन भी हमें पता चल जाएगा। खैर, रूबन उसको मना कर देता है, इसलिए सेमिरा को अपना मन मार के बस के अंदर बैठना ही पड़ता है। लेकिन तभी वो देखती है कि आसमान से ढेर सारे स्पेसशिप या फिर काइंड ऑफ मीटियोर्स जैसी चीजें धरती पर आ रही थी, और एक मीटियोर तो सीधा इनके पास आके गिरता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। सभी लोग चिल्लाते हुए वहाँ से भागते हैं, लेकिन एलियंस इन पे हमला कर देते हैं, और ये एलियंस हल्की सी हल्की आवाज होने पर भी उन सब चीज को मार देते हैं जहाँ से भी वो आवाज आती है। और ये एलियंस भी शायद इन्हीं मीटियोर्स की वजह से आए होंगे। सेमिरा इन सबसे बचते हुए वहाँ से भागती है, लेकिन तभी एक एलियन एक एम्बुलेंस पर अटैक कर देता है क्योंकि उसमें से काफी आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत तेज धमाका होता है, जिस धमाके में सेमिरा बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद सेमिरा की आंख सीधा उसी थिएटर में खुलती है जहां पर अभी ये सब पपेट शो देख रहे थे। वहां पे हेनरी उसको चुप रहने के लिए बोलता है, और इस टाइम तक लोगों को समझ में आ चुका था कि ये एलियन सिर्फ आवाजों की वजह से ही अटैक करते हैं। खैर, तभी आर्मी के कुछ हेलीकॉप्टर्स वहां से गुजरते हैं, जिसकी आवाज को सुनकर बाकी एलियंस भी ट्रिगर होके उसके पीछे भागने लगते हैं। इस शोर की वजह से सेमिरा की बिल्ली भी वहां से भाग निकलती है, जिसकी वजह से सेमिरा भी उसके पीछे भागती है। भागते हुए सेमिरा का पैर टूटे हुए कांच पर पड़ जाता है, साथ ही में उसकी बिल्ली की गले में जो घंटी बंधी हुई थी वो भी बच जाती है, जिसकी वजह से एक एलियन वहां पे आ जाता है। वो एलियन रूबन के काफी करीब आ चुका था, लेकिन किस्मत से एक हेलीकॉप्टर वहां से गुजरता है, जिस कारण वो एलियन वहां से चला जाता है। इसके बाद सेमिरा अपना मुंह धो रही थी, जहां उसको बाहर से बॉम्ब्स के फूटने की आवाजें आती हैं। चेक करने पर ये सभी देखते हैं कि आर्मी वाले सभी ब्रिज को बॉम्ब की मदद से तोड़ रहे थे ताकि ये सभी एलियंस इस जगह से निकलकर मेन सिटी में ना आ जाएं। एंड ऑफ कोर्स ये जगह काइंड ऑफ आइलैंड जैसी थी और ये एलियंस पानी में भी तैर नहीं सकते थे। इन बॉम्ब्स के गिरने की वजह से वहाँ पे एक आदमी परेशान होकर चिल्लाने ही वाला था, इसलिए हेनरी उसका मुंह बंद कर देता है। मगर वो आदमी अब भी चुप नहीं हो रहा था, इसलिए हेनरी उसका सर पकड़ के दीवार में दे मारता है, जिसकी वजह से वो आदमी ऑन द स्पॉट मारा जाता है। मगर हेनरी ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था। अब इसके बाद रूबन और सेमिरा एक जगह पर बैठे हुए थे, लेकिन तभी वहाँ का जनरेटर अपने आप ही चल जाता है। रूबन उसको जैसे तैसे बंद करता है, लेकिन उसकी शर्ट जनरेटर में फंसने की वजह से फट जाती है, और उसके शर्ट के फटने की आवाज को सुनकर एलियन वहां पे आ जाता है और रूबन को ले जाके मार डालता है। इस चीज से सेमिरा को काफी सदमा तो लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहां से बाहर जाने लगती है। बाहर निकल के वो देखती है कि सारी दुकानें और सारे घर बर्बाद हो चुके हैं। इसके बाद वो सीधा एक स्टोर में जाती है, जहां वो अपने लिए और अपनी कैट के लिए कुछ खाने का सामान लेती है।
वहाँ पर एक फाउंटेन भी था जिसके नीचे दो बच्चे छिपे हुए थे। समीरा उन दोनों को साउथ की तरफ जाने के लिए बोलती है क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हुई थी कि लोगों को बचाने के लिए बोट्स का इंतजाम किया जा रहा है, इसलिए सबके सब साउथ की तरफ चले आए। और यहाँ पे पहले से ही फाउंटेन की आवाज आ रही थी, इसलिए समीरा इनसे बात कर पा रही है। दरअसल ये सभी एलियंस नेचुरल आवाजों पे ध्यान नहीं देते, जैसे कि पानी का गिरना, बारिश या फिर बिजली की कड़कने जैसी आवाजें। इसलिए समीरा भी इस फाउंटेन से निकलने वाली आवाज से थोड़ी लो आवाज में इनसे बातें कर रही है। खैर, इसके बाद समीरा भी वहां से उन बच्चों को लेके बाहर निकलती है जहां पर और भी हजारों लोग निकले हुए थे। अब इतने सारे लोगों के बीच में शोर तो होना लाजमी था, इसलिए एलियंस इन सब पे अटैक कर देते हैं। इस हमले में समीरा की बिल्ली उससे अलग हो जाती है, लेकिन समीरा एक कार के नीचे आके खुद की जान को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रोडो को एक एरिक नाम का आदमी मिलता है, जिसके तुरंत बाद ये दोनों समीरा के पास आ जाते हैं। समीरा एरिक को भी साउथ की तरफ जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो तो उसको ही फॉलो किए जा रहा था। समीरा उसको अपने घर पे लेके जाती है ताकि वो वहाँ से अपनी दवाइयाँ ला सके। घर पे पहुँच के दोनों आपस में बातें करते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि एरिक यहाँ सिर्फ अपनी लॉ की पढ़ाई करने के लिए आया था और उसके माँ बाप कहीं और रहते हैं। दोनों मेंटली काफी डिस्टर्ब हो चुके थे, इसलिए जैसे ही बिजली के कड़कने की आवाज आती है दोनों साथ में मिलके चिल्लाते हैं ताकि अपने मन की भड़ास निकाल सके। और जैसा कि ये एलियंस नेचुरल आवाजों को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए इनकी चीख बिजली की आवाजों से कवर हो गई, जिस कारण एलियंस यहाँ पे नहीं आते। खैर, अब इसके अगले दिन ये लोग एलियन से बचते हुए बाहर निकलते हैं, जहाँ लगभग एलियन इनको मार ही देते। वो तो एंड वक्त पर ये लोग पानी में कूद गए थे, जिस कारण एक एलियन पानी में ना तैर पाने की वजह से इनको पकड़ नहीं पाया। इस पूरी भागा दौड़ी में समीरा की हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए एरिक उसके लिए दवाई लेने के लिए जाता है, जहाँ अगेन उसका सामना एलियन से होता है, मगर इस बार वो अपनी सांस रोक के उस एलियन से बच जाता है। इसके बाद एरिक समीरा को दवाई खिलाता है और यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में अच्छा खासा बॉन्ड बनते हुए देख पाते हैं। यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि आखिर क्यों समीरा सिटी में आके पिज्जा खाने की जिद कर रही थी। दरअसल जब वो छोटी थी तब उसके पिता उसको एक जैज क्लब में लेके जाते थे, जिसके बाद ये दोनों पिज्जा खाया करते थे। और जैसा कि समीरा को कैंसर है, इसलिए वो आखिरी बार पिज्जा खा के अपने पिता के साथ बिताए हुए समय को फिर से जीना चाहती थी। यही रीजन है कि समीरा पूरी मूवी में पिज्जा खाने के लिए काफी जिद करती है। अब यहाँ से हम सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ एरिक और समीरा बाहर निकलते हैं, जहाँ एरिक उसको कहीं से तो पिज्जा ला के देता है। ये दोनों यहाँ पे ड्रिंक करते हैं, काफी सारी बातें करते हैं, ऑल्दो एरिक यहाँ पे उसको मैजिक कार्ड की ट्रिक्स भी दिखाता है। इसके बाद ये दोनों बाहर वापस आते हैं, जहाँ इनको सर्वाइवल बोट्स दिखाई देती है, मगर बोट्स की आवाज से एलियन भी वहाँ आस पास ही घूम रहे थे और ऐसे में इन बोट्स के बाहर जाना काफी मुश्किल था। इसलिए ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और धीरे धीरे उन बोट्स के जाते हैं। समीरा वहां खड़े हुई गाड़ियों में एक आयरन रॉड से हिट करती है, जिनकी आवाज से एलियन उन गाड़ियों के पास आते हैं। मौके का फायदा उठा के एरिक समीरा की बिल्ली को लेके भागता है, जहां एलियन भी उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन एंड टाइम पे एरिक पानी में कूद जाता है, जिसकी वजह से एलियन उसको नहीं पकड़ पाते। और पानी में तो ये एलियंस वैसे भी नहीं जा सकते। एरिक को हेनरी बोट के अंदर खींच लेता है और एरिक की जान बच जाती है। रही बात समीरा की, तो वो बोट पे नहीं आती क्योंकि वैसे भी उसकी मौत तो जल्दी होने ही वाली है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि यहीं पर वो थोड़ा और समय बिताएगी। एरिक को भेजने से पहले समीरा ने उसको अपना एक जैकेट दिया था, जिसमें एरिक को एक नोट मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि उसको उसकी बिल्ली का ख्याल रखना होगा, और इन कुछ टाइम में एरिक ने उसके लिए जो भी किया है उसके लिए वो उसको थैंक यू बोलती है। अब यहाँ से हम समीरा को देखते हैं, जो कि फीलिंग गुड वाला गाना सुन रही थी। बैकग्राउंड में हम उसकी आवाज को सुनते हैं, जिनसे हमें ये पता लगता है कि वो काफी खुश है और उसने अपनी लाइफ को काफी अच्छी तरीके से जिया है। एटलीस्ट अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में तो वो काफी अच्छी तरीके से जी है। फिर वो अपने ईयरफोन्स की वायर को हटा देती है, जिस कारण रेडियो में से गाना बजने लगता है, जिस कारण रेडियो में बजने वाला गाना एलियन को भी सुनाई देता है, और एक एलियन सीधा समीरा के पीछे आके कूदता है, और इसी के साथ मूवी यहीं पर हो जाती है खत्म। तो दोस्तों, ये थी अ क्वाइट प्लेस डे वन की पूरी स्टोरी, जहां मूवी के एंड में समीरा को एलियन ने मार डाला। इस मूवी के अंदर दो तीन जंप स्केयर्स काफी अच्छे थे और ओवरऑल मूवी ठीक ठाक ही थी। अब वैसे तो इस मूवी का नाम अ क्वाइट प्लेस डे वन है, लेकिन इसमें हमें इन एलियंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि ये एलियंस आखिर अर्थ में आए ही क्यों है। अब जैसा कि हमें हर मूवी के प्रीक्वल में किसी स्पेसिफिक चीज के ओरिजिन के बारे में पता लगता है, इसमें वही चीज गायब थी। अगर ये लोग उस चीज को ऐड करते तो मूवी काफी ज्यादा अच्छी
अच्छी होती। खैर अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ये मूवी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों को ऐसे ही हॉरर मूवीज का ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑलवेज सेट करके रख लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।